पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी संगठन की बैठक का आयोजन आरएन इंटर कॉलेज में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और जिला प्रभारी शामिल रहे। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने की और संचालन महामंत्री राहुल शर्मा ने किया। बैठक में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य अतिथि देवेंद्र शर्मा ने विस्तार से पार्टी की ओर से आने वाले कार्यक्रमों के बारे में बताया और कहा कि हम सभी कार्यकर्ता हैं और हमें बहुत मेहनत करनी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और आगामी दिनों में भी लगातार पार्टी के कार्यक्रम हैं, जिनमें मुख्य कार्यक्रम मेरा घर भाजपा का घर, जिसको लेकर बूथ पर कार्यक्रम किए जाएंगे। 12 फरवरी से 2 मार्च तक बूथ पर घर घर जाकर भाजपा का झंडा लगाना है, स्टिकर लगाना है और पार्टी का साहित्य मतदाताओं को देना है। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ता से लेकर जनप्रतिनिधियों तक की सहभागिता होनी है। पूरे देश में प्रत्येक विधानसभा में कमल बाइक रैली एक साथ होनी है। ये रैली 26 जनवरी 2019 को होगी। कमल ज्योति कार्यक्रम के अंतर्गत सभी कार्यकर्ताओं को लाभार्थियों के घर जाकर दीप जलाना है और उन्हें चिन्हित करना है। जिन्हें कुछ नहीं मिला है उन्हें भी चिन्हित करना है। भविष्य में उन्हें भी कुछ न कुछ अवश्य मिलना है। हमें बूथ पर जाकर मतदाताओं को बताना है कि सरकार ने ईमानदारी से आप सभी को कुछ न कुछ दिया है, इसीलिए आपका दायित्व बनता है कि आप भी सरकार के साथ सहयोग करें, जिसमें स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना मोदी जी की देन है। मोदी जी हमारे इस देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूरी ईमानदारी से हो रहे हैं। पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। लाइट की व्यवस्था के अंतर्गत शहर में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिना कटौती के बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हमें 2014 में मिली थी। इसी लक्ष्य को लेकर हमें आगे बढ़ना है और पार्टी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उसको सफल बनाना है। जिन्होंने बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पहले भी लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की बहुत मेहनत से सेवा की है और यहाँ पर इतिहास बनाए, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ते हुए यहाँ के जो भी प्रत्याशी रहे हैं उनको चुनाव जिताया है और मुझे पूर्ण आशा है कि आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी। आप सब इतने समय से यहाँ पर आए, सबने बहुत ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 सीटें जीते और 14 से ज्यादा का हमारा लक्ष्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि 14 ही सीटें थी और 14 के 14 जीते और उस समय जीते जब हमारे पास ना कोई एक लाभार्थी था ना कोई योजना, सब कार्यकर्ताओं का उत्साह था और कार्यकर्ताओं की मेहनत। आज को हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है और कहने के लिए भी बहुत कुछ है, पार्टी हमारी दे रही है अभी तक। अभी एक महीना है यहाँ, अभी पिछले देखो इसकी किसी भी पार्टी ने इतने सालों में कोई मांग पूरी ना कर पाई, जो आरक्षण की मांग चल रही थी गरीब समाज की, तो वो हमारी पार्टी ने दिया और उसको पीछे तक ले जाने की जरूरत है। और हम लोग इसी रात में सब पीछा जाते हैं, जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि हमारी जो भी योजनाएं आती है, सरकार जो भी काम करती है, वो हमारी योजनाएं गरीब तक नहीं पहुंच पाती, हम उसका विचार नहीं करते। हमारी पिछली सरकार ने जो कार्य करे साइनिक इंडिया हम करते रहे लेकिन हम जमीन पर नहीं पहुंच पाए और जितना काम उस सरकार ने किया शायद आज तक कोई सरकार ना कर पाई, दूसरी जो भी बनी अगर करा तो वो भी भाजपा की सरकार ही कर रही है। तो हम सब लोगों का कर्तव्य है कि हम जब मेहनत करते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, निस्वार्थ तरीके से मेहनत करते हैं, तो हमारा ये भी फर्ज होना चाहिए कि उसका फल हमें उसी हिसाब से मिलना चाहिए और हम नीचे तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएं। ये नीचे के लोगों की सोच है, वो क्या है उसका निर्णय लेंगे या फैसला करेंगे, लेकिन हमारा अपना कर्तव्य है कि हमें जो बार बार पाठ पढ़ाया जाता है, बार बार हमारे सामने जो आता है नई नई योजनाएं जो भी आती है, उसको हम नीचे के बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सब लेके जाए। अभी 1 तारीख से 7 तारीख तक मंडलों की बैठकें होंगी। मंडल बैठक में सब लोग जो आज की तरह से बात हो रही है कोई बात मगर सेक्टर स्तर तक ले जानी है, सेक्टर के बाद बूथ तक ले जानी है। ये हमारा जो प्रचार की कमी नहीं है वो हम इन्हीं के माध्यम से हम पूरा करेंगे। ये जिला कार्यशाला थी।
महानगर मुरादाबाद की, जिसमें कार्यकर्ता अपेक्षित थे, हमारे मंडल के अध्यक्ष, मंडल के प्रभारी, जिलाध्यक्ष, महानगर के अध्यक्ष और क्षेत्र के और प्रदेश के पदाधिकारी। ये हमारी जो आगे की कार्य योजना है, कार्यक्रम आ रहे हैं, उनको क्रियान्वयन करने की एक बैठक थी। इसमें हम, आप देखें, बाइक रैली आ रही है विधानसभा से, मेरा परिवार भाजपा परिवार एक कार्यक्रम आ रहा है, हर घर को हमें जाके टच करना है। और जैसे अलग अलग कार्यक्रम, जैसे सैनिक सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, ये सब कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है कार्यकर्ताओं ने बैठ के। आगे हम इन कार्यक्रमों को बूथ पर करेंगे, ऐसी कार्य योजना के साथ ये बैठक संपन्न हुई है। पश्चिम में हमने 14 की 14 सीट 2014 में जीती थी, तो टारगेट पश्चिम का 14 की 14 लोकसभा है, और टारगेट है कि उस जो पहले जीते थे जिन जिन वोटों से, उससे दुगनी वोट से जीताने हैं अपने कैंडिडेट्स को, ये टारगेट है। हॉलीवुड उतरे या बॉलीवुड उतरे, भारतीय जनता पार्टी जरूर उतरेगी और जीतेगी।